हेलो एवरीवन, आज हम लोग लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 2126 जो कि है डिस्ट्रॉयड एस्टेरॉयड को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें एक मास दिया हुआ है, मास, और फिर एक एस्टेरॉयड दिए हुए। एस्टेरॉयड एक एरे के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को कोलाइड कराना है और फिर हमें लास्ट में बस ये देखना है क्या सारे एस्टेरॉयड को हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि जब भी हम इन दोनों को कोलाइड करेंगे तो अगर मास जिसका ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। जैसे अगर हम मास 10 को कोलाइड कराते हैं एस्टेरॉयड हैविंग मास 3, तो ऑब्वियस सी बात है 10 वाला जीत जाएगा और जो जीतेगा उसके पॉइंट उसको ऐड हो जाएंगे। तो जब ये जीत जाएगा मास तो इसका पॉइंट हो जाएगा 13। वही अगर हम 10 वाले को कोलाइड कराते हैं 19 वाले एस्टेरॉयड से, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास कम है तो ये हार जाएगा या ये फूड नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम सारे एस्टेरॉयड को फूड नहीं पाएंगे। तो यही हमको बताना है कि हमको ऐसे ऑर्डर में हमको एस्टेरॉयड से कोलाइड कराना है, किसी भी ऑर्डर में अपने अकॉर्डिंग, चाहे हम पहले 10 वाले को 9 से करा दें, 10 वाले को 3 से करा दें, हमें किसी भी ऑर्डर में इसको कोलाइड कराना है जिससे कि हम सारे के सारे एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर पाए। ठीक, तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका ये है, और हमें पता है कि जैसे जैसे कोलाइड होते जाएगा पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, मतलब मास बढ़ते जाएगा जैसे जैसे कोलाइड हो। जैसे 10 और 3 को कोलाइड करा ये जीत जाएगा तो इसका मास हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर 13 को और 9 से कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियस बात है अभी भी मेरा मास जीत जाएगा, तो 13+9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। तो ऐसे करते करते हमको ये देखना है कि मेरा हम सारे एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे कि नहीं। तो हमें सारे को डिस्ट्रॉय करना है तो क्यों ना हम सबसे छोटे वाले से डिस्ट्रॉय करते जाए। यही हम की कंसेप्ट यही है कि हमें जो भी एरे दिया हुआ है एस्टेरॉयड का उसको हमको सबसे पहले सॉर्ट कर लेना है, मतलब कि हम छोटे से कोलाइड कराते हुए जाएंगे। अगर हम लास्ट तक कोलाइड कर पाते हैं तो ये हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, मतलब हम सारे एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स। तो इसमें जो की कंसेप्ट यही है कि हमको इसको सॉर्ट कर लेना है और स्मॉलर वन से हमको डिस्ट्रॉय करते जाना है, कोलाइड कराते जाना है। तो जैसे अगर हम देखें इसी को हम सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3, 5, 9, 19 और 21। अब ये हमारे पास मास है 10। सबसे पहले मैं 10 और 3 को डिस्ट्रॉय करूंगा, मेरा मास हो जाएगा 13। फिर उसके बाद मैं 5 से कोलाइड करूंगा, मास हो जाएगा 18। ठीक, इसके बाद मैं 9 से कोलाइड करूंगा, अब भी मेरा मास ये ज्यादा है तो ये इसका पॉइंट है, इसको मास इंक्लूड हो जाएगा, तो 18 एंड 9 कितना हो जाएगा 27। और 27 को मैं 21 से कोलाइड करूंगा तो मतलब ये कोलाइड हो जाएगा, मतलब ये सारे के सारे मैं एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, मास हमारे पास 5 की बिन है और मेरे पास ये एरे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4, 4, 9 और 23। ठीक, तो सबसे पहले मैं 5 को कोलाइड कराता हूं इसके साथ, 4 वाले के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे मेरा मास ज्यादा है तो ये गेन हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक, अब 9 के बाद मैं 4 वाले के साथ कोलाइड कराता हूँ, अब भी ये मेरा हाई है तो 13 हो जाएगा। ठीक, अब मैं 13 को 9 वाले एस्टेरॉयड के साथ कोलाइड कराता हूँ तो अब भी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब मैं 22 को 23 वाले के साथ कोलाइड करूंगा तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 22 मेरा कम है, 23 ये ज्यादा है, तो जब भी ये कोलाइड होगा ये वाला एस्टेरॉयड वाला मास ज्यादा है तो इसलिए ये मान के चलो ये नहीं फूटेगा, मतलब कि हमें रिटर्न कर देना क्या है फॉल्स, मतलब कि मैं सारे के सारे एस्टेरॉयड को मैं फोड नहीं पाया, मैं किसी भी ऑर्डर करूं एक एस्टेरॉयड मेरा बच ही जाएगा 23। तो ऐसे केस में हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स। तो इसमें जो की कंसेप्ट यही है कि हमको सबसे पहले सॉर्ट कर लेना है और स्मॉलर वन को कोलाइड कराते हुए जाना है। अगर ये लास्ट तक पूरा हम जितने भी एस्टेरॉयड है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर पाते तब तो हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, नहीं तो हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स। ओके, अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।